और ये हम, और ये है क्या लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। हटना है, चलो स्लो 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 स्लो, दाहिना तरफ दाहिना, रुको ब्रेक पकड़ो। वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज है नुब्रा वैली में और आज हम लोग फाइनली जाने वाले हैं खारदुंगला पास होके, ले जाने वाले आज ले जाने वाले हैं फिर से, एंड ले से अपना जर्नी फिर स्टार्ट होगा। तो कल हम लोग का ले जाने का प्लान था बट पॉसिबल हुआ नहीं, वेदर कंडीशन जो था आप लोगों को दिखाए थे कि कैसा वेदर है, तो इसीलिए हम लोग ले नहीं जा पाए। तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं, तो आज खारदुंगला होके जा रहे हैं। तो खारदुंगला में शायद बाइक अभी अलाउड नहीं है, ये तो हम लोग का बैकअप कार था ये वाइट वाला, एंड आज ब्लैक वाला भी जाएगा, दोनों जाएगा, क्योंकि एक बाइक में मतलब एक कार में, एक बैकअप कार में चार बाइक नहीं आएगा, तो इसमें दो जाएगा और उसमें दो जाएगा। खारदुंगला पास जब एंट्री करेंगे चेक पोस्ट जहाँ है उधर से चारों बाइक को मतलब कार में उठाना पड़ेगा, क्योंकि अलाउ नहीं है, इसीलिए अगर अलाउ करता है तो कोई बात नहीं है। तो स्नो फाइनली मिल चुका है हम लोगों को, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग चेक कर लो। और कल हम लोग बहुत जगह घूमे थे, और इससे पहले तीन वीडियो हो चुका है जब हम लोग पैंगोन गए थे, तानसेन गए थे, ले से, तो वो सब वीडियो अगर नहीं देखे हो तो इसका एक प्लेलिस्ट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही एक्सट्रीम वीडियो है, सभी वीडियो बहुत ही खूबसूरत है एंड फुल ऑफ सीनरी है जो आप लोग देख रहे हो, एंड जो भाई लोग देख चुके हो, जो नहीं देख रहे हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, सब वीडियो देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो करना, बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर्स मिलेगा उधर देखने को। और ये रहा इधर का कार्ड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इधर आके इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये था हम लोग का स्टे, दो दिन से इधर ही थे हम लोग, क्योंकि आप लोग देखिए हो लास्ट ब्लॉग में स्नोफॉल आया था, स्नोफॉल हुआ था तो इसीलिए इधर अटक गए थे। तो बहुत ही अच्छा था, एंड बिहेव जो होता है फर्स्ट चीज़ एडजस्ट करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा था, एंड बहुत ही अच्छा फील था इधर, एंड घर जैसा फील था, खाना भी बहुत अच्छा था, सब कुछ ही मज़ा आया इधर दो तीन दिन रुक के। सो अभी निकलते हैं नुब्रा वैली को बाय करते हैं आज, और देखते हैं इंशाल्लाह कब आ पाते हैं। बहुत ही मन है फिर से आने का यार, बहुत ज़्यादा। लद्दाख, लद्दाख कुछ अलग ही जगह है। सिक्किम जो गए थे उसका भी वाइब्स बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ेदार था, और ये लद्दाख का भी कुछ अलग ही मेमोरीज है एंड अलग ही वाइब्स है। हम लोग जब सिक्किम ट्रिप किए थे, सिक्किम ट्रिप करने के बाद मतलब जब घर आए थे, 1 वीक बाद जब घर आए थे ट्रिप कंप्लीट करके, तब ना यार क्या ही मतलब याद आ रहा था वो ट्रिप, एंड मतलब मज़ा से नहीं आ रहा था, एकदम मन अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उतना अच्छा ट्रिप मिस कर रहे थे। तो ये ट्रिप भी वही होगा घर जाने के बाद। सो देखते हैं, ऐसा तो होते ही रहेगा, कुछ टाइम जाने देते फिर से होगा। अपना सिक्किम ट्रिप जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, मतलब हम लोग उतना सोचे भी नहीं थे कि इतना सक्सेसफुल, इतना इजीली, इतना अच्छा ट्रिप होगा, लेकिन वो ट्रिप बहुत अच्छा हुआ था, और ये ट्रिप भी हम लोगों का बहुत अच्छा ही है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। खारदुंगला अभी भी 50 किलोमीटर करीब बाकी है, 50 किलोमीटर, यस 50 किलोमीटर करीब बाकी है, और रोड तो अभी बहुत ही अच्छे हैं, और स्नो तो अभी आया नहीं है, क्योंकि नीचे तो स्नो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, पहाड़ी के ऊपर ज़्यादा रहता है, जैसे वो सब पहाड़ के ऊपर से जाने से बहुत स्नो मिलेगा, तो स्नो आते अभी टाइम है, देखते हैं फिर से स्नो हम लोगों को मिलता है कि नहीं। लेकिन हर
पर डे, मतलब जितना राइड किए हर दिन हम लोग को स्नो मिला ही है, थोड़ा बहुत तो स्नो मिला ही है। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा मिला था, सेकेंड डे हल्का मिला था, लेकिन मिलता है, डेली मिलता है। विंटर में यही एक मज़ा है यार, और इसी में सजा है। स्नो में स्नो दिखना, जितना मज़ा आता है स्नो देखने में, मतलब भरा हुआ, जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो हम लोग स्नो से बाइक लेके यार जा रहे थे, वीडियो कर रहे थे स्नो के ऊपर से, वो देखने में बहुत मज़ा आता है यार, सीरियसली। मतलब क्या सीन लगता है और क्या व्यू आता है उधर से। लेकिन वो स्नो बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत स्नो में बाइक चलाना बहुत डिफिकल्ट है। इधर कोड लिखा रहता है, बहुत अच्छा अच्छा कोड। तो एक जगह लिखा था, लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। एकदम मतलब अलग ही चीज़ बोला है, मतलब अलग ही कोट है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन है, जाने का मज़ा है, लेकिन डेस्टिनेशन का मज़ा उससे ज़्यादा है जर्नी में। वो डेस्टिनेशन तक जाने तक जर्नी का मज़ा बहुत आता है, और लद्दाख में तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब जर्नी का ही पूरा मज़ा है यार। डेस्टिनेशन का तो है ही, लेकिन जर्नी का बहुत ज़्यादा मज़ा है, सीरियसली यार, मतलब अलग ही चीज़ है ये जगह। अभी बहुत जगह जाना बाकी है। क्या हवा चल रहा है भाई इधर, अब से जमना चालू हो गया, उंगली फिंगर अभी सीज हो जाएगा कुछ देर में, अभी होना चालू हो गया। और वो जो दूर में पहाड़ दिख रहा है, हाँ भाई बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है नीचे, मतलब नुब्रा में जहाँ थे उतना उधर उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। मतलब अब जितना ऊपर जा रहे भाई ठंड और ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो जो सामने जो पहाड़ दिख रहे हो आप लोग, वो पहाड़ में मतलब इतना मोटा बर्फ़ है कि पहाड़ का नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, जो काला काला जो पहाड़ मतलब सैंड वगैरह पत्थर वत्थर है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इतना मोटा उसका चादर हो चुका है बर्फ़ का। चलो भाई वो लोग आने देते, चलो हम लोग का बैकअप कार आगे चला गया है और वो लोग दोनों नीचे आ रहा है, आने देते हैं, हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं। अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला, खारदुंगला पास में तो कम से कम माइनस 10 12 या 15 तो हो गई। हम लोग का त्रास जाने का प्लान है, देखते हैं उधर कैसा क्या माहौल रहता है। आज देख के साला डर लगता है अभी। स्लो स्लो, ये टूटा फूटा रास्ता बहुत अच्छा है भाई, ये आइस से। बहुत संभाल के जाना पड़ता है ये सब, बहुत ज्यादा स्कीड करता है, मतलब हद से ज्यादा स्कीड करता है। सो गाइस इधर हम लोग रुके थे खाने के लिए, क्योंकि 1:30 बज गया है, तो इसीलिए सोचे एक बार खा लेते, और तो अभी खाना मिलेगा नहीं, अभी ऊपर जाना है खारदुंगला पे, तो उधर खाने का इंतज़ाम शायद नहीं है, और उधर से नीचे उतर उतर लिए पहुँचते पहुँचते अपना शाम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने खा लिए। मैगी खाया, थुप्पा भी खाया। अभी जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होगा। अभी थोड़ी देर सांस फूलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं अभी, नुब्रा वैली से बहुत ऊपर आ चुके हैं, अभी और ऊपर जाना है हम लोगों को, शायद ये पहाड़ी के पीछे जाना है जितना तक बोला गया है। हम लोग जहाँ लंच किए कुछ देर पहले इधर, वो खारदुंग था, खारदुंग से खारदुंगला करीबन इधर से हम लोग जहाँ हैं इधर से करीबन 10 से 15 किलोमीटर अभी भी खारदुंगला बाकी है। देखते जितना ऊपर जा रहे यार उतना हालत खराब हो रही है। अबे जम जाएगा पूरा बर्फ है, पूरा बर्फ है, बाप रे बाप। इतना ठंड में भी थम्स अप हो से यार, जो भी हो ठंड बहुत ज्यादा है। चल चल चल,
जो भी बनना हो धीरे धीरे। हाँ, मतलब बहुत ऊपर आ चुके हैं ना, अभी ज़्यादा मतलब स्पीड में कुछ काम करेंगे, बात करेंगे या फिर पैदल चलेंगे या फिर कुछ काम करेंगे, तो वो धीरे धीरे करना है क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, तो इसीलिए धीरे धीरे ठंडे दिमाग से काम करना है। इधर तो बर्फ छोड़ के कुछ दिख ही नहीं रहा है। वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू। एक तो ठंड है भाई, उसके ऊपर कुत्ता अगर दौड़ा दिया, स्किट कर गया तो बस खत्म है पूरा कहानी, इसीलिए स्लो कर देना ही बेटर है। भाई आपको साइड का एक बार व्यू दिखाते हैं, ये साइड का एक बार व्यू देखो, मैन खतरनाक, बहुत डेंजर व्यू है यार, मतलब देख के ही डेंजर लग रहा है। हाँ सब जम गया भाई, सर भाई सर खोलते ना खोलते पूरा लग रहा है कि करंट मार रहा है। और ये सब रोड पे जोर से जाना नहीं चाहिए क्योंकि कहाँ पर आपको ब्लैक आइस अगर रहेगा कहीं भी तो आपको दिखेगा नहीं, और वो ब्लैक आइस पे आपको स्कीट करना ही करना है 100%। तो इसीलिए जहाँ एकदम सूखा मिलता है वो सही है, नहीं तो ये सब जगह से एकदम स्लो जाना चाहिए, एकदम स्लो, ताकि अगर स्कीट भी करें तो आप ज़्यादा ज़ोर से ना स्कीट करो। क्या हुआ? अरे बाप रे, अब स्किट कर रहा है। अरे गाड़ी नहीं जा रहा यार, गाड़ी नहीं जा रहा है। स्लो, रुको 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 रुको, हाँ स्लो स्लो स्लो, वेट वेट, हाँ, रुको रुको रुको, नहीं 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 तुम चलो, स्लो 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 स्लो, रुको रुको रुको, थोड़ा बैक ना, थोड़ा पीछे पीछे, चलो हल्का 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 हल्का, अरे हल्का थ्रॉटल देना, थ्रॉटल हल्का दो, चलो 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 चलो, हल्का हल्का दाया तरफ लो, दाया तरफ दाया तरफ, दाना दाना दाना, चलो चलो स्लो 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 स्लो, दाना तरफ दाना, ओए रुको ब्रेक पकड़ो, रुको रुको रुक जाओ, अब नहीं आ पाएगा, वेट वेट रुको चलो, अल्लाह रुको चलो, हल्का 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 हल्का,
हम तो खुद खड़ा नहीं हो पा रहे, हल्का हल्का। अंकल रुको 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 करो रुको, आप आ जाओ आप आ जाओ। करण चलो चलो चलो, हल्का हल्का, राइट साइड राइट साइड राइट साइड, स्लो स्लो स्लो, राइट साइड, यस, बस बस बस, रुको रुको थोड़ा। ओ माय गॉड, याल्ला, ओए पैर उठाना मत, पैर उठाना मत, और थ्रॉटल ज्यादा नहीं देना। बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। फर्स्ट डे भी ऐसे ही हुआ था हम लोगों का। शायद गाड़ी में उठाना पड़ेगा, ऊपर और बर्फ है जितना तक खबर मिला है। दोनों पैर नीचे लगा के चलो तो सही है, और अगर आप एक हाथ छोड़ते हो इधर तो 100% गिरना ही है आपको। पूरा सफेदी सफेद यार चारों तरफ, सीन देखने में तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट सीन है, लेकिन टफ भी बहुत ज़्यादा है यार। देखो बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा है अभी। गोप्रो में बैटरी भी ज़्यादा नहीं बचा है, और अभी रोक भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। अगर ख़त्म हो गया तो जहाँ रोकेंगे उधर ही चेंज होगा। अरे देखो करण गिर गया है सामने, रोड ही ऐसा है यार गिरने वाला। एक मोशन बना के चलना चाहिए, फिर भी यार पूरा बाइक इधर उधर हो रहा है। मेरा सिर्फ दोनों तरफ दोनों पैर दिया हुआ है, इसीलिए सीधा जा रहा है गाड़ी। अरे रे रे, हाँ उधर जाना पड़ेगा। सो भी गाइस, पूरा रास्ता ऐसा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और GoPro का चार्जिंग पूरा ख़त्म है, अभी ऑफ हो जाएगा, अभी ऑफ हो जाएगा, और चार्ज भी नहीं है। आलू है कि कुत्ता है? अरे बाप रे बाप, क्या हवा चल रही है यार। गाइस हम लोग से बात सुने, ये रहा दो कार और बाइक, और ये हम, और ये है क्या लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। हट ना इनको दिखा ना, ओए छोड़ो ओए छोड़ो, ये रहा एक मेरा एक पिक्चर खींच लिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। यस, ओ चारों तरफ का आप एक बार सीनरी देखो, क्या हवा चल रहा है और क्या स्नो उड़ रहा है। नेक्स्ट लेवल ठंड है यार। हाँ एक बार टेम्परेचर देखो ना इधर का, सुनो सुनो टेम्परेचर क्या होगा इधर, 10-12-15 होगा। अभी इधर पिक्चर वगैरह लेंगे फिर नीचे जाएंगे।